हेलो इन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू मूली चना की सब्जी। फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम कद्दू मूली और चना की सब्जी। आप चाहें तो चना डालें या ना डालें, लेकिन आप एक बार बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते हैं, अब बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम सरसों का तेल है, इसमें सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें हम एक चम्मच मेथी डालेंगे और ये आधी चम्मच राई है, ये तड़का में डालेंगे हम और इसको मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हमारा तड़का जो हो गया, इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। और भूनने के बाद अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये मिर्ची पाउडर और ये जीरा पाउडर, और इन सभी को इसमें मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चना और डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं इसे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसको मिला लेते हैं। और अच्छी तरह से मिल जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डाल के थोड़ा मिला लेंगे। और मसाला हमारा भुना चुका है, अब इसमें डालेंगे मूली और ये कटा हुआ कद्दू, इन सबको मिला लेते हैं। और इनको ढक के अब पकाएंगे हम, मीडियम आंच पर ढक देते हैं, ये पकेगा। सब्जी हमारा आधा कुक हो चुका है, दस मिनट और पकाएंगे इसको, लेकिन मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। और देखिए पानी नहीं डाले थे और ये पानी छोड़ दिया है। इसको दस मिनट और पकाएंगे। और सब्जी हमारा जो है तैयार हो चुका है, देखिए। और कितना स्वादिष्ट बना है हमारा सब्जी, और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए कितनी स्वादिष्ट लगती है। और इस मौसम में तो खास करके ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है कद्दू चना की सब्जी। फिर थोड़ी सी धनिया से गार्निश करेंगे। और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारी सब्जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर
फैंस आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।